अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी आंखें भर आती हैं। कहानी से पहले, इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल एंड यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, तो हमारा चैनल बिया और माला सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। मेरी माँ रक्कासा थी। बाबा जान ने किसी महफिल में उनका रक्स देखा तो फरीफ्ता हो गए। मेरी नानी ने उनकी चाहत का अंदाज़ा कर लिया। दूसरी बार एक दोस्त कमाल के साथ आए तो नानी ने उनकी बड़ी आव भगत की। रफ्ता रफ्ता बाबा जान का आना जाना बढ़ने लगा। तभी एक रोज़ मौका देखकर नानी ने कहा कि अगर तुमको मुमताज़ इतनी ही पसंद है तो तुम उससे निकाह कर लो, बीवी का दर्जा देकर इज्जत की ज़िंदगी दे दो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरा बुढ़ापा सर पर है, अपनी बच्ची को किसी अच्छे शख्स के हवाले करके अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। हम नाच गाना तो करते हैं लेकिन अस्मत नहीं बेचते। बाबा जान ने जवाब दिया कि मैं शादीशुदा हूँ और बाल बच्चेदार हूँ, शादी करके घर नहीं ले जा सकता, वरना पहली बीवी के भाई हंगामा कर देंगे, उनसे टक्कर नहीं ले सकता, वो मेरे चचा जाद हैं और उन्हीं की बहनें मेरे भाइयों की बीवियाँ हैं। हाँ, मैं ये वादा करता हूँ कि अगर मुमताज़ मेरे नाम पर बैठ जाए और मुझसे वफा करे तो उम्र भर खर्चा देता रहूँगा, तहफ़्फ़ुज़ भी दूँगा। नानी ने बाबा जान की इस पेशकश को कबूल कर लिया। वो खुद बीमार रहने लगी थी। वालिद ने इन माँ बेटी को घर लेकर दिया, बाकायदगी से खर्चा देते थे। अम्मी ने नाच गाने वाला पेशा छोड़ दिया। इस तरह मुमताज़ बेगम मेरे वालिद की वफादारी की कसम खाकर उनकी तहवील में ज़िंदगी बसर करने लगी। एक साल बाद बाबा जान ने मेरी अम्मी से निकाह कर लिया, लेकिन इस मामले को पोशीदा रखा, सिवाय अपने दोस्तों के जो उस निकाह के गवाह थे। नानी की वफात के बाद मेरी माँ का बाबा के सिवा कोई ना था। उनका एक भाई था मगर वो अपनी बीवी के साथ अलहदा रहता था, और मेरे वालिद ने इन लोगों से मिलने पर शुरू दिन से ही अम्मी पर पाबंदी लगा दी थी। मेरी पैदाइश के बाद ज़िंदगी ने वफा ना की और माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं अभी नौजायदा थी। बाबा जान परेशान थे कि इस बच्ची का क्या करूँ। जब कोई हल समझ में ना आया तो उन्होंने मजबूरन मेरे हकीकी मामू से राबता किया। कहा कि घर वाले मेरी इस बेटी को कबूल ना करेंगे, तुम अपनी बीवी को कहो कि वो उसे रख ले, परवरिश का खर्चा मैं हर महीने देता रहूँगा, जब ये 9 बरस की हो जाएगी तो मैं इसे वापस ले लूँगा। मेरी अम्मी मुमताज़ बेगम के भाई यानी मेरे हकीकी मामू ने ये मुआहदा जो ज़ुबानी हुआ था कबूल कर लिया, और ख़ासी मोटी रकम के एवज़ इन लोगों ने मेरी परवरिश की जिम्मेदारी उठा ली। बाबा जान ने किसी को कानों कान खबर ना की कि इनकी कोई बेटी सोबिया है जो किसी रक्कासा के बतन से है। जानते थे कि अगर अपने घर ले गए तो बीवी हंगामा खड़ा कर देगी, और उसके भाई जो वालिद के चचा जात थे और मेरी 2 फुफियाँ उनसे ब्याही हुई थीं, वो भी फसाद डालेंगे ताकि जायदाद में कोई और हिस्सादार ना बन जाए। बाबा जान मुझको इन झगड़ों से दूर रखना चाहते थे, यहाँ तक कि मैं बालिग और समझदार हो जाऊँ। उनको ये फिक्र थी कि उनके ख़ानदान वाले मुझ मासूम को हकारत का निशाना बनाएंगे, लेकिन ये ना सोचा कि जहाँ मेरी परवरिश हो रही है वहाँ के माहौल के मुझ पर क्या असरात होंगे और मेरी शख्सियत सवरने और खूबसूरत बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। मुमानी के हाथों मेरी परवरिश अब्बू की मजबूरी थी, तभी इन लोगों को दे दिया, जिनसे कभी मेरी वालिदा को मिलने की इजाज़त भी ना थी। यूँ कहना चाहिए कि किस्मत के लिखे का कुछ पता नहीं होता, इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। मैं 9 बरस की हो गई तो बाबा जान ने मेरे मामू खैरदीन से दोबारा राबता किया और मुआहदा याद दिलाया। कहा कि अब वक्त आ गया है तो मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो। मामू ने वापस करने से साफ इनकार कर दिया। बोले, मेरी बीवी ने 2 दिन की बच्ची को माँ बनकर पाला पोसा है, वो सोबिया से बहुत मोहब्बत करती है और इसके बगैर नहीं रह सकती, अब हम अपनी भांजी को वापस नहीं करेंगे।
ये मोमानी को माँ समझती है और ख़ुद भी उसके बगैर नहीं रह सकेगी। मेरे वालिद जानते थे कि इन लोगों का माहौल ठीक नहीं है। मामू खैर दीन मंशियात फरोशी के धंधे से वाबस्ता थे। हर सूरत बाबा जान को मुझे हासिल करना था। उन्होंने अपनी दोनों बहनों और उनके शौहरों को एतमाद में लिया, जिन्होंने मेरी सौतेली माँ को राज़ी किया कि सोबिया जहाँ भी पली बढ़ी है लेकिन है तो हमारा खून, इसे वापस लाना हमारी इज्जत का मसला है, वरना हमारी बच्ची गलत माहौल का शिकार हो जाएगी। इस अमर पर सब मुत्तफिक हो गए कि बच्ची को अपने ख़ानदान में लाया जाए। सभी मुझको कबूल करने पर राज़ी हुए। अब मरहला मेरे मामू और मुमानी का था, जो किसी तौर पर मुझे मेरे हकीकी वालिद के सुपुर्द करने पर राज़ी ना थे। बाबा जान को इल्म था कि वो ये सब कुछ सिर्फ पैसे की खातिर कर रहे हैं। मेरी परवरिश भी इसी वजह से की थी कि हर माह माकूल रकम परवरिश की मद में बाबा जान बाकायदगी से उन्हें अदा करते रहते थे, जिसका मुझे तो कुछ इल्म ना था। बिल आखिर काफ़ी बहस और मुबासे के बाद तान इस बात पर टूटी कि बाबा जान मामू खैर दीन के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया जमा करवा दें, इसके बाद वो उम्र भर मुझसे कोई वास्ता ना रखेंगे। बाबा जान ने यह कबूल कर लिया। जो मकान अम्मी जान को ख़रीद कर दिया था इसको फरोख्त करके रकम उनको अदा कर दी और मुझे साथ ले आए। मुझ पर जब ये इंकशाफ हुआ कि मैं अपनी मुमानी की बेटी नहीं हूँ और मेरे अब्बू कोई और हैं और मेरे ददियाल वाले मौजिज लोग हैं जिनसे पहली बार मिली थी, तो मेरी अजीब सी कैफियत हो गई। मुझे बहुत गु़स्सा भी आया कि जब छोटी सी थी ये अपने पास ना रख सकते थे, परवरिश ना कर सकते थे, अब जबकि 10 बरस की हो चुकी हूँ तो ये मेरे दावेदार बन बैठे हैं। 2 साल और मामू मुमानी ने मुख्तलिफ हीले बहानों से मुझे अपने पास रखा ताकि 2 साल तक और उनको पैसे मिलते रहें। बिलाखिर वालिद साहब मुझे घर ले ही आए। कुछ दिन बाबा जान के रिश्तेदारों से मैं उखड़ी उखड़ी रही, लेकिन मेरी सौतेली माँ एक समझदार औरत निकली। उन्होंने मुझे एतमाद में लिया और घर में अपनी औलाद से ज़्यादा अहमियत दी ताकि मेरा उन पर एतमाद बहाल हो सके। उस औरत के प्यार भरे सलूक ने मेरा दिल जीत दिया। ताहम मैंने जिस गली महल्ले में बचपन गुजारा था वह मौजज़ीन का इलाका ना था। वहाँ रहने वाले आला ख़ानदानी इकदार से रोशनास ना थे, ज़्यादातर अनपढ़ लोग थे, गरीब लोग रहते थे या फिर वो जिनकी औरतें गुरबत से घबरा कर इज्जत का सौदा करके ज़रूरियाते ज़िंदगी को पूरा करने में कोई ऐब नहीं समझती थी। ज़रूरियाते ज़िंदगी को पूरा करने के कायदे और कवानीन दूसरों से अलहदा थे। जो अतवार शरफा में ऐब गर्दाने जाते थे वहाँ बिल्कुल भी मायूब नहीं समझे जाते थे। मेरी परवरिश भी इन्हीं असूलों पर की जा रही थी। अपने वालिद के ख़ानदान में मैं पहले साल बुझी बुझी सी रही। ये एक शानदार घर था, नौकर चाकर खादमाएँ यहाँ हर वक्त मौजूद होती थीं। पोश इलाका था, तौर तरीके भी अलग थे, जबकि मामू खैर दीन एक ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ लड़के लड़कियाँ गली महल्ले में आज़ादाना घूमते फिरते थे। मेरा बचपन आज़ादाना माहौल में दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद कर गुजरा था। मुमानी के रंग ढंग सही ना थे, वह दिन चढ़े तक सोती रहती और शाम को हार सिंगार करके कहीं चली जाती थी। मैं बच्ची थी, किसी बात की समझ ना थी, मगर लाशऊरी तौर पर घर की फिज़ा मुमानी की शख्सियत ने मुझ पर गहरा असर डाला था। जल्दी मेरी शख्सियत के रंग खुलने लगे, अगरचा चेहरे पर बला की मासूमियत थी, मेरी हंसी लोगों का दिल मोह लेती थी। 2-3 साल और गुजरे तो मैं 15 बरस की हो गई, लेकिन इधर उधर तांग झांग की आदत ना गई। बड़ी अम्मी और पुप्पियों को बताए बगैर घर से निकल पड़ती, आस पड़ोस जा पहुंचती, वहाँ औरतें मुझसे कुरेद कुरेद कर हाल अहवाल पूछती और मैं चटाख पटाख सबको मुमानी की बातें गोश गुजार कर आती। बड़ी अम्मी और पुप्पियाँ इधर उधर के घरों में जाने से रोकती तो रोने बैठ जाती। वो मुझे कभी प्यार से कभी डांट कर समझाने की कोशिश करती, मगर मैं ना मानती। इसी तरह सारे इलाके में मेरी खासी शोहरत हो गई थी। दूसरी लड़कियों के मुताबिक मैं बेवफा लड़की थी, लड़कियों से दोस्ती कर लेती फिर पलट कर उनकी खबर भी ना लेती थी।
मैं एक बेबाक, नडर और बातूनी लड़की थी। बड़ी अम्मी मेरे रवैये से खासी परेशान थी। हर वक्त समझाती थी, कहती, देखो तुम्हारी और बहनें कैसी हैं, तुम भी इनकी तरह बन जाओ। जैसा वो बर्ताव रखती हैं, तुम भी दूसरों के सामने वैसा रवैया रखो और बर्ताव सीखो। अच्छे ख़ानदान की लड़कियां अपने तौर तरीकों से पहचानी जाती हैं। मगर उनकी ऐसी हिदायत की मैं कब परवाह करती थी। मैं जैसी थी वैसी ही रही। बहनें स्कूल और कॉलेज जाती थीं। मैंने 5 जमातें पढ़ी थीं। बड़ी अम्मी ने करीबी स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं अपनी क्लास फेलो से 4 बरस बड़ी थी। 5वीं के बाद मुमानी ने 2 साल स्कूल ना भेजा था, इसलिए उम्र निकल गई थी तो अच्छे स्कूल में दाखिला भी ना मिला। पढ़ाई में भी कमज़ोर ही थी। बड़ी अम्मी ने सोचा, चलो करीबी स्कूल में ही चली जाए, कुछ तो पढ़ लिख जाएगी। स्कूल घर के नज़दीक था, कभी मुलाजमा और कभी अकेली चली जाती थी। स्कूल जाते चंद दिन गुजरे थे कि एक नौजवान कामरान से टकराव हो गया। बड़ी अम्मी के किसी कज़न का बेटा था और उनका घर स्कूल के अकब में था। बस फिर क्या था, मौसूफ ने स्कूल के इर्द गिर्द फेरे डालने शुरू कर दिए। मैंने भी तफरी की खातिर नाजो अदा दिखाने में कोई कसर ना छोड़ी, जबकि मौसूफ उम्र में मुझसे 20 बरस बड़े थे। लगते तो मुझे बहुत ही बुरे थे, लेकिन शायद इस उम्र में ऐसा ही होता है, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। एक दिन मुलाजमा ने मुझे कामरान के साथ स्कूल के नज़दीक एक ठेले के पास चाट खाते देख लिया। बस फिर क्या था, कामरान साहब बेचारे जो रिश्ते में बड़ी अम्मी के कज़न ही थे, मारे शर्मिंदगी के ऐसे गायब हुए कि दोबारा किसी ने उनकी शक्ल ना देखी। बड़ी अम्मी ने मुझे हिदायत की कि आइंदा जब तक अम्मा सायरा तुम्हें स्कूल लेने ना जाएं, तुम गेट से झांकना भी नहीं। बड़ी अम्मी की रोक टोक मुझको बहुत बुरी लगने लगी। मैं बमुश्किल 8 जमातें पास करके घर बैठ गई। चचाओं के घर पास पास थे, आना जाना लगा रहता था। उनके बेटे भी आते, मेरे भाइयों से भी मिलते, बातें करते, मगर मेरी बहनें सलाम करके इधर उधर हो जाती। वो उनके साथ बैठती नहीं थी और ना ही बातें करती थी। वो उनके साथ ऐसे रहती जैसे वो गैर हों। मुझे ये बहुत अजीब लगता था, क्योंकि मैं तो हमेशा गली के लड़कों के साथ भी आराम से ही बातचीत कर लिया करती थी। सलीम छोटे चचा का मंझला बेटा था, इंजीनियरिंग के 3रे साल में था। बहुत चंचल और खूबसूरत था, मेरी ही तरह बातें करने का शौकीन। वो पहला लड़का था जो मुझे अच्छा लगता था। जब आता मैं उसके इर्द गिर्द मंडलाने लगती तो बड़ी अम्मी पुकार कर अपने पास किचन में बिठा लेती या फिर कोई हल्का फुल्का काम जिम्मे लगा देती ताकि इनकी नज़रों के सामने रहूं। बड़ी अम्मी की ऐसी ही एहतियातें मुझे अजहद बुरी लगती थीं, हालांकि वो मुझे खुश रखने की हर मुमकिन सही करती थीं। शॉपिंग को ले जाती, सैर करवाती, हर ख्वाहिश पूरी करती थीं। वक्त हल्के फुल्के बादलों की तरह गुजरता रहा। एक रोज़ मैंने सलीम को अकेले पाकर रो धोकर इकरार मोहब्बत किया और शादी का वादा ले लिया। वो बेचारा हैरान परेशान मेरे आंसू गालों पर बहते देख रहा था। उसने सोचा भी ना होगा कि ताया की ये लड़की औरों से इतनी मुख्तलिफ और नडर होगी। अब मैं बहाने बहाने से चचा के घर जा घुसती, मौका मिलते ही सलीम से बात करने की कोशिश करती। एक रोज़ वो सहन में चारपाई पर बैठा खाना खा रहा था, मैं जाकर पास बैठ गई। उसने कहा कि मेरे बाबा घर पर हैं, लिहाजा तुम अंदर चली जाओ और समैया के साथ जाकर बैठो। मैं टस से मस ना हुई और उसके साथ रोटी के नवाले तोड़कर खाने शुरू कर दिए। वो बहुत घबरा रहा था। फिर वही हुआ जिसका डर था। चचा कमरे से निकले, हमें इकट्ठे खाना खाते देखा तो परेशान हो गए। हमारी तरफ आए और बोले, बेटी अंदर जाओ, समैया के पास उसके साथ खाना खाओ। मैंने फौरन कहा, मैं नहीं खा रही थी चचा जान, सलीम ने खुद मुझे कहा कि मेरे साथ खा लो। मैं तो दिल रखने के लिए साथ बैठ गई। मुझे मालूम था कि सलीम अपने अब्बू के सामने कभी भी मेरा नाम नहीं लेगा। मैं चाहती थी कि ये बात खुल जाए ताकि हमारी शादी की बात आगे बढ़ सके, इसलिए मैंने सारा मलबा उसके ऊपर डाल दिया। वो बेचारा मेरा मुंह तकने लगा। चचा ने कहा, सलीम मैं ये क्या सुन रहा हूँ। सलीम ने कोई जवाब ना दिया, आंखें नीची कर ली और सर झुका लिया। चचा जान ने तुर्शी से कहा,
साफ साफ बताओ तुम क्या चाहते हो। सोबिया अभी छोटी है, इससे बड़ी बहन से तुम्हारा नाता मुनासिब होगा, लेकिन तुम अगर ऐसा कोई फैसला कर चुके हो तो हमें बता दो, मुझे कोई एतराज ना होगा। कहो तो दो बोल निकाह के अभी ही पढ़वा देते हैं, ये उन्होंने तंजिया कहा था। सलीम के दिल में मेरे लिए जो भी जज्बात थे, मगर वो तमाशा नहीं बनना चाहता था। मैं अभी छोटी थी और शायद बेवकूफ़ भी। उसने अपने वालिद से माफ़ी तलब की और कहा कि आपको आइंदा शिकायत का मौका ना मिलेगा। मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, अभी मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं है। मुझे सलीम की बात सुनकर सख्त गुस्सा आया। वो अपने बाप के मिजाज को जानता था, इसलिए अब मुझसे दूर दूर रहने लगा। मुझे देखते ही कतरा कर निकल जाता। चचा शायद मेरे और सलीम के रिश्ते के दिल से मुखालिफ न थे, मगर ज़माने से कदरे खाइफ थे। मैं उनके भाई की औलाद थी, मगर थी तो एक रक्कासा की बेटी। सलीम ने बाप के खौफ से किनारा कर लिया, मगर मैं अल्लाह की बंदी हर धर्मी में अपना जवाब नहीं रखती थी। ऐसी सलीम के पीछे पड़ी कि उसे जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। आखिरकार एक रोज़ जबकि बड़ी अम्मी जहर की नमाज से फारिग होकर बैठी थी, तो चची आन पहुंची। उन्होंने सलीम में मेरी दिलचस्पी का किस्सा उनके गोश गुजार कर दिया। बड़ी अम्मी ने कहा, अगर सलीम की मर्ज़ी सोबिया से शादी करने की है तो कोई मसला नहीं, सलीम तालीम मुकम्मल कर ले तो उसे बहू बनाकर ले जाना। तुम चची ही नहीं, उसकी पुप्पो भी हो, हमने ही उसके बारे में सोचना है। लेकिन चची ने कहा, मैंने तो हमेशा ज़ेबा को चाहा है, उसी को बहू बनाने की आरज़ू कर रखी है। ज़ेबा मुझसे बड़ी बहन थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि चची के दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश है। बड़ी अम्मी बोली, तुम्हारा बेटा इकबाल है ना, ज़ेबा उसके लिए ले लो, दोनों बहनों को अपनी बहू बना लो। ये सुनकर चची खामोश हो गई। सलीम की अम्मी यानी मेरी चची और पुप्पो दोनों ही रिश्ता उनसे बनता था। आखिरकार मेरी आहोजारी से नरम पड़ गई, मगर चचा अभी भी गुमसुम थे। बड़े भाई का लिहाज भी था और ये बात भी ना भुला पा रहे थे कि मैं एक रक्कासा के वतन से थी और मेरी माँ उनके ख़ानदान से ना थी। सलीम को मुझसे मोहब्बत तो ना थी, शायद उसके जहन में कहीं ज़ेबा थी, क्योंकि बचपन से जब इंसान एक ही बात सुनता आ रहा हो तो वो लाशऊर में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेती है। लेकिन इस तरह मेरा रिश्ता सलीम से तय हो गया। मेरी मासूम अदाओं ने जादू का सा असर किया और सलीम की नज़र में मेरे आंसू मोतियों की कदर कीमत पाने लगे और मैं इसके दिल का सरूर हो गई। उसके ख्यालों से बचपन की ज़ेबा की तस्वीर निकल गई और उसकी जगह मैंने ले ली। ज़ेबा भी सब्र वाली और ख़ानदानी लड़की थी। उसने अपने तासुरात से अपने जज्बात और एहसासात को किसी पर जाहिर ना होने दिया, मुझसे बदस्तूर मोहब्बत भरा सलूक रखा और ख़ुशी का इजहार ही किया। हमारे बाबा जान के घर में लड़कियों को एक इशारा ही काफ़ी होता था। ज़ेबा अनगिनत खूबियों की मालिक थी और मैं खलंडरी, हट धर्म और लापरवाह थी। तभी चची मेरी और सलीम की शादी को टालती रही कि पहले बड़े बच्चों की हो जाए, उनकी बारी बाद में आएगी। कभी कभी लगता कि ये मुझको ब्याह कर अपने घर ले जाना ही नहीं चाहती हैं। इस तरह मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादियाँ बड़ी पुप्पो की बेटों से हो गई और भाई की शादी सलीम की बहन समिया से हो गई। अब हमारी बारी थी, लेकिन चची ने दोगली पॉलिसी से काम लिया। उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी, गलत बयानियों से काम लेकर हालात को बिगाड़ने में लगी रहीं। इन हालात की वजह से बाबा जान का दिल सलीम के वालिद से बुरा होता गया, हालांकि उनके दरमियान बहुत मोहब्बत थी। मगर चची ने मेरी और सलीम की शादी में उलझाव डालकर भाइयों को भी आपस में दुश्मन बना दिया। अब मैं 22 बरस की हो चुकी थी। जो आदात अतवार पस मंज़र के तौर पर मामू के घर से लाई थी, रफ्ता रफ्ता उनसे किनारा कर चुकी थी। शायद अब मैं उस उम्र के हिस्से में आ चुकी थी जहां इंसान समझदार होने लगता है। मैंने बाबा जान के ख़ानदान के तमाम रिवायात को अपना लिया था, लेकिन कभी कभी मुझे अफसोस होता कि जब मैं इन लोगों जैसी हो गई थी तो उन्होंने फिर भी मेरी कदर न की। चची ने झूठ सच बोलकर अपने शौहर के कान भरने में कोई कसर न छोड़ी। बरसों की मोहब्बत शक्कर रंजी में तब्दील हो गई। सलीम ने इंजीनियरिंग पास करके एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली। मेरे सब बहन भाइयों,
चचा जादों की शादियां हो गईं, सिर्फ मैं और सलीम बाकी रह गए। मैं सलीम के नाम पर बैठी थी और वो कंपनी की तरफ से सऊदी अरब चला गया। 5 साल वहाँ रहा। इस दौरान 2-3 बार घर आया तो भी वालदैन की शक्कर अंजी की वजह से हमारे घर ना आ सका। हम मायूस हो चुके थे। बाबा जान और बड़ी अम्मी दुखी थे। बाबा जान ख़ास तौर पर कि मेरी इस बेटी को माँ का प्यार मिला और ना ही बाप का। बाप के घर आई तब भी ददियाल वालों ने वो दर्जा ना दिया जो उसका हक था, उसे दिल से कबूल ना किया। तभी तो सलीम से शादी ना हो सकी। वो कहते थे कि मेरी बेटी को सबने भुला दिया। अब मैं 27 बरस की हो चुकी थी। मैं दुनिया के तमाम रंग देख चुकी थी और पहले की तरह खलंडरी और बातूनी भी नहीं रही थी। इन 5 सालों में 2 बार सलीम ने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे किसी भी तरह का ताल्लुक रखने से इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि अगर उसके माँ बाप ने मुझे दिल से कबूल नहीं किया तो मैं छुपकर उससे कोई ताल्लुक नहीं बना सकती। ये मेरे माँ और बाप दोनों के एतमाद को ठेस पहुँचाने वाली बात है। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गया था और उसके बाद उसने मुझे कभी टेलीफोन नहीं किया। उसे इनकार करने के बाद मैं उस दिन बहुत रोई थी। इस बात को भी 2 बरस बीत चुके थे, लेकिन मैं अपने बाबा जान और अपनी बड़ी अम्मी के साथ खुश थी। भाई अपनी बीवी के साथ अमेरिका जा चुके थे। घर में सिर्फ मैं, बाबा जान और बड़ी अम्मी ही रहते थे। बाबा जान की तबीयत ख़राब रहती थी और मैं उनकी खिदमत करके खुशी और सुकून महसूस करती थी। बड़ी अम्मी मुझसे मोहब्बत रखती थी और मेरे लिए हर वक्त दुआ गो रहती थी। उनकी दुआएं लेकर मैं बहुत मुतमिन थी। अचानक एक दिन चचा और चची बाबा जान के पास दोबारा सवाली बनकर आ गए। चचा ने माफ़ी मांगी और चची ने माजरत की। उनकी बातों से पता चला कि उन्होंने तो मुझे भुला दिया था, लेकिन सलीम अपने दिल से मुझे ना निकाल सका। शायद बाबा जान और बड़ी अम्मी की दुआओं का असर था कि आज वो दोबारा हमारी शादी की बात करने आ गए थे। मेरे बाबा जान को असल रंज यही था कि चचा चची ने मेरी बेटी को कबूल करके भी ना अपनाया। जब चचा की तरफ से इजहार खजालत हुआ तो आखिरकार बाबा जान ने उन्हें माफ़ कर दिया और यूं हमारी शादी की तारीख तय कर दी गई। अफसोस, जिस खुशी के लम्हे का वो अरसे तक इंतज़ार करते रहे उस खुशी में वह खुद शामिल ना हो सके। निकाह के 1 हफ्ता बाद रुख्सती रखी गई थी। रुख्सती से 2 दिन पहले बाबा जान बीमार हो गए। उनको दिल का दौरा पड़ा था, वो हॉस्पिटल में थे। चचा जान उनके घर लौटने तक तकरीब आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बाबा जान ने कहा कि नहीं, रुख्सती मुकर्रा तारीख पर होगी, तुम शादी करके मेरी बेटी ब्याह ले जाओ। मैं हॉस्पिटल में हूँ तो क्या हुआ, बाकी सब तो मौजूद होंगे। भाइयों और बड़े चचाओं ने मेरे सर पर हाथ रखकर रुख्सत किया। इस वक्त मेरी आंखें नीर बहा रही थीं कि मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। माँ पहले ही जहाँ से चली गई और अब बाबा जान भी बीमार हैं। रुख्सती के यादगार लम्हात में उनका हाथ मेरे सर पर नहीं था। उन्होंने यकीनन हॉस्पिटल में बिस्तर अलालत पर मुझे दिल से बहुत दुआएं दी होंगी। फिर वो जहाँ से चले गए और मैं उनकी दुआओं से आज सुख और सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सलीम ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, ससुराल से इज्जत भी मिली, क्योंकि जिस औरत का शौहर उससे मोहब्बत करता हो ससुराल वाले खुद ही इज्जत देने लगते हैं। मुझे कभी किसी ने यह फिर ताना ना दिया कि मैंने एक रकासा के वतन से जन्म लिया था। मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ को कभी ना देखा था, लेकिन आज भी जब उनकी तस्वीर देखती हूँ जो मुझे बाबा जान के सामान में से मिली थी, तो उन्हें और अपने बाबा जान को याद कर आंखें भर आती हैं।